नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है समास। इस वीडियो में हम द्विगु समास को विस्तार से जानेंगे। हमने अपनी पिछली तीन वीडियो में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास को विस्तार से जाना था। उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। अब हम द्विगु समास को जानेंगे, आइए शुरू करते हैं। द्विगु समास वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। समाहार क्या होता है? समाहार का अर्थ है समुदाय, बहुत सी चीजों को एकत्र करके मिलाना या इकट्ठा करना, मिलाप आदि। उदाहरण देखिए, सप्ताह सात दिनों का समूह, इसमें पहला पद संख्यावाचक है इसीलिए द्विगु समास है। त्रिफला तीन फलों का समूह। त्रिवेणी तीन नदियों का समूह। चार पाई चार पायों का समूह, इसमें पहला पद संख्यावाचक है। पसेरी पांच शेरों का समाहार। सतसई सात सौ का समाहार। सप्तधान्य सात अनाजों का समाहार, इसमें पहला पद संख्यावाचक है इसीलिए द्विगु समास है। आगे देखिए, पंचरत्न पांच रत्नों का समाहार, इसमें पहला पद संख्यावाचक है इसीलिए द्विगु समास है। चौराहा चार राहों का समूह। दोपहर दो पहरों का समूह। पंचतंत्र पांच तंत्रों का समूह। तिरंगा तीन रंगों का समूह। त्रिकोण तीन कोणों का समूह। नवग्रह नौ ग्रहों का समाहार। द्विगु समास की यही पहचान है कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए। अब हम एक बार दोबारा समझेंगे। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास की यही पहचान है कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, इसमें संख्या होना आवश्यक है। इस समास से समूह या समाहार का बोध होता है। कुछ और उदाहरण देखिए, त्रिफला तीन फलों का समूह, इसमें पहला पद संख्यावाचक है इसीलिए द्विगु समास है। शताब्दी सौ सालों का समूह। नवरत्न नौ रत्नों का समूह। षटकोण छह कोणों का समूह। पंचामृत पांच अमृतों का समाहार। शतक सौ का समाहार। दशक दस का समाहार, इसमें पहला पद संख्यावाचक है इसीलिए द्विगु समास है। ये द्विगु समास है जिसे हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।